Hey guys, welcome back to my channel. Myself is Tishman Chatterjee, and here we are back with a new video. So this is the day two of our chapter, Stars and Solar System. So in the day two part, we have three topics to cover. What are the topics? The first topic is the moon surface, means moon kaisa hota hai. Hum log ka earth surface to hota hai na, land, water, soil. Wahan pe moon ka kaisa surface hota hai? And moon's atmosphere, moon mein air present hai, moon mein water present hai ki nahi? Ye sab bhi hum log discuss karne wale hai. Next, the stars. Stars तो हम लोगों को तो पता है constellations and all. तो let's begin our video. So the first thing we are going to discuss is the moon's surface. So what do you mean by moon's surface? The moon's surface is dusty and barren. मतलब बहुत dusty होता है, बहुत मतलब marks तो अभी covid situations के लिए पहनते हैं, लेकिन moon surface में अगर कोई marks के बिना मतलब astronauts अगर अपना helmet उतारते हैं, तो oxygen deficiency तो होगा ही. उसके साथ साथ इतना डस्टी है कि कोई मतलब ऑक्सीजन तो वो तो बात छोड़ो, ऑक्सीजन मास्क लगा लेंगे तब हो जाएगा, लेकिन इतना डस्टी है कि किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उधर तो प्लांट्स भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब एयर भी शुद्ध नहीं है, इससे बहुत प्रॉब्लम. बैरन मतलब कि वहाँ पे कोई प्लांट्स एनिमल्स कुछ भी नहीं है. एंड ऑल्सो क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज. ऑफ क्रेटर्स मतलब क्या? द होल विच इज क्रिएटेड बाई एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स. मतलब मून में तो हमारे अर्थ में तो मीटरॉइड्स क्रश नहीं होते, लेकिन मून में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मीटरॉइड्स बहुत सारे क्रश होते, तो वो इतने हाई स्पीड में आते हैं, फायर की स्पीड में, लाइट की स्पीड में आते हैं विद फायर बॉल, तो वो जाके इतना टकराते हैं जब बहुत बड़ा होल हो जाता है. इसलिए मून में बहुत सारे ऐसे होल मिलेंगे वहां पे एस्ट्रॉइड्स टकराएंगे, इसलिए इसे क्रेटर्स बोलते हैं. तो मून का सर्फेस इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि मून का सर्फेस ऐसा होता है, मतलब प्लांट्स भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. द सेकंड थिंग वी गॉट डिस्कस इज द मून्स एटमॉस्फेयर. तो मून का सरफेस में क्या क्या था? मून का सरफेस में था कि वो बैरन था, डस्टी था, और बहुत सारे क्रेटर्स थे, मतलब बड़े बड़े होल थे. आप लोग जब रात में मून को देखोगे तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट मिलेगा आप लोग को, मतलब जो बड़ा बड़ा होता है वही आप लोग को देखा, छोटा वाला तो आप लोग को देखा कर इतने दूर से. तो वो जो ब्लैक स्पॉट है वो ब्लैक स्पॉट नहीं है, वो उतने सारे क्रेटर्स के होल है, वो उस एस्ट्रॉइड्स के होल है. सो एस्ट्रॉइड जब टकराता है उसके साथ होल बन जाता है, वो होल से हमें दिखता है दूर से. सेकंड थिंग इज मून्स एटमॉस्फेयर. सो व्हाट इज मून्स एटमॉस्फेयर? उनके एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? हम लोग के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और बाकी गैसेस एलिमेंट्स भी, और वाटर वेपर इंक्लूडिंग. तो मून के एटमॉस्फेयर में the moon has no air and hence no atmosphere. Air का ब्लैंकेट को हम एक एयर के ब्लैंकेट को हमें एटमोसफेयर बोलते हैं, हम लोगों ने प्रेशर वाले चैप्टर में पढ़ा था. तो वहां पे एयर ही नहीं है, इसलिए नो एटमोसफेयर इज प्रेजेंट इन द मून्स एटमोसफेयर. एंड इट हैज नो वाटर. पानी भी नहीं है उधर, तो पानी नहीं है, एयर नहीं, इसका मतलब क्या? देयर इज इम्पॉसिबल टू इफ लाइफ एग्जिस्ट, मतलब वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करना इज इम्पॉसिबल. There doesn't exist any kind of living things in the moon. And without air, we can't hear any sound also. अब देखो, ये चीज sound वाले chapter, एक physics का chapter है, sound वाला chapter, उधर में है. ये class 10 में भी है ये chapter. कि अगर air नहीं होता हम लोग को, अगर आप लोगों ने क्या सीखा? Light नहीं होता तो हम लोग देख नहीं सकते. अगर light नहीं होता हम लोग देख सकते? नहीं देख सकते. अगर air नहीं होता हम लोग sound नहीं सुन सकते, क्योंकि एयर के बिना साउंड ट्रेवल नहीं करता. साउंड जो आता है, मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये तो ट्रेवल कर, इधर से माइक तक ट्रेवल कर, तो इसके लिए एयर जो है वो मेरे साउंड को इधर तक पहुंचा रहा है. ये साउंड अभी कंप्यूटर में जाके आप लोगों को सुनाई दे. तो ये जो ट्रेवल कर रहा है, ये दो लोग बात कर रहे हैं, जो वो एयर तक, एक माउथ से एयर तक ट्रेवल कर रहा है, उसकी वजह से एयर चाहिए होता. इफ देयर इज नो एयर प्रेजेंट, उधर साउंड में नहीं होता. आप लोग जोर जोर से चिल्लो, आप लोग का खुद का आवाज सुनाई नहीं देगा, क्योंकि there is no air present due to absence of water, air and no life exists on moon. Moon mein koi life exists abhi tak to NASA ne confirm kiya, koi life nahi hai. Aliens wo sab myth wrong the. So ab moon ka surface par liya, moon ka atmosphere par liya, ab moon kaisa hota hai, moon ke bare mein hum log sab kuch par liya, ab kuch janne ke liye kuch nahi. Aur abhi hum log padhne wale stars. तो स्टार्स में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि द स्टार्स ऐसे होते हैं, आप लोगों को सबको पता है स्टार्स ऐसे होते हैं. तो स्टार्स क्या होता है? स्टार्स होता है हीलियम और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होके स्टार्स बनता है. और आप लोगों को जो आसमान में स्टार्स दिखता है ना,
वो बहुत बड़े, हम लोग के अर्थ से 4 गुना या 10 गुना बड़े है। कोई कोई स्टार्स तो सन से भी बड़ा होता है, सन सबसे बड़ा होता है लेकिन सन से भी बड़ा होता है स्टार्स। जो सबसे दूर होता है वो छोटा छोटा जब दिखता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो बहुत दूर होता है इसलिए हम लोग को छोटा छोटा दिखता है, वरना वो बहुत बड़ा होता है इसका। और स्टार्स ना दिन में भी होता है, दिन में होता है 2400 घंटे होता है, लेकिन सन की इतने ब्राइट लाइट से, सनलाइट की वजह से हम लोग को वो स्टार्स दिखता है। लेकिन नाइट टाइम में तो मून इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता सन की लाइट को, सनलाइट को, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा मतलब स्टार्स अच्छे से दिखने को मिलता है। सो हम लोग स्टार्स के बारे में कुछ जानते हैं, चलिए। तो स्टार्स, स्टार्स का पिक्चर देख लो, स्टार्स ऐसा होता है ना, सब लोगों ने देखा है, ऐसे ही होता है स्टार्स। द स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, जैसे मैंने बताया स्टार्स हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट बट ड्यू टू ब्राइट सनलाइट दे आर नॉट विजिबल इन डेटाइम। मैंने ये चीज भी बताया, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द गैलेक्सी, बट सन के इतने ब्राइट लाइट से हम लोग को देखते नहीं। और एक चीज, सन भी एक स्टार है लेकिन उसका शेप थोड़ा डिफरेंट है। तो स्टार, सब स्टार के आप लोग स्टार मतलब क्या सोचते, ऐसे ऐसे मतलब 5 ट्रायंगल नहीं, स्टार का शेप डिफरेंट हो सकता है। स्टार से अगर एस्ट्रॉइड टकरा तो उसका शेप डिफरेंट हो गया। और सन में ऐसा क्या एक्सेप्शनल है, सन में एक्सेप्शनल है कि वो जहां पे है उधर एस्ट्रॉइड मिचुअल बहुत कम आते हैं, इसलिए उसका शेप एक ही है, राउंड ही है उसका शेप। और उधर ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होता है, हाइड्रोजन और हीलियम कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और स्टार्स जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, सन से भी बड़े बड़े स्टार्स, उनमें हाइड्रोजन हीलियम गैस कम होता है लेकिन रिएक्शन ज्यादा होता है, लेकिन परसेंटेज में कम होता है सन से, इसलिए वो, और हमसे बहुत दूर है इसलिए हम लोग दिखता भी नहीं है। तो वो मिल्की वे में रह सकते हैं या और भी गैलेक्सीज में रह सकते हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज है हम लोग के गैलेक्सी, हम लोग का गैलेक्सी का नाम मिल्की वे, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी भी हो सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्स पढ़ा, मून के एटमोस्फियर के बारे में जाना, मून का सरफेस, हम लोगों ने मून के सरफेस के बारे में पढ़ा। मून का सरफेस देखो, ये जो होल्स है ना, ये दो होल्स, ये होल्स ऐसे एस्ट्रॉइड्स की वजह से होता है, डस्टी होता है, बहुत बैरन होता है, और ये क्रेटर्स बोलते हैं, इस होल्स को हम लोग क्रेटर्स बोलते हैं। नाउ सेकेंड है मून के एटमोस्फियर, मून के एटमोस्फियर में हमारा पढ़ा था नो एयर इज प्रेजेंट, नो वाटर इज प्रेजेंट, इसलिए नो एटमोस्फियर इज ऑल्सो प्रेजेंट। और एयर प्रेजेंट है इसलिए हम लोग को सुनाई भी नहीं देता उधर, और एयर वाटर प्रेजेंट नहीं है इसलिए वहां पे लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं करता। यू वाटर एयर तो इज द बेसिक थिंग, इफ लाइफ एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को वाटर एयर जरूरत होता है। वाटर के बिना हम लोग 4 घंटा 5 घंटा जिंदा रहते, एयर के बिना 1 सेकंड में जिंदा नहीं सकते, विदाउट ऑक्सीजन हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। स्टार्स हीलियम और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है, ये जो ब्लैक में मैंने इसको अंडरलाइन, इसको मतलब इसको मैंने ऐसा फोकस कर दिया क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज भी आप लोग देख लेना। एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट बट ड्यू टू ब्राइट सनलाइट दे आर नॉट विजिबल इन डे टाइम। दे आर, ये चीज बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्स कहाँ जाते हैं, स्टार्स रोटेट नहीं करता, अर्थ भी रोटेट, अर्थ तो रोटेट करता है लेकिन अर्थ से हम लोग स्टार को देख सकते हैं, लेकिन स्टार्स डे टाइम में इतने ब्राइट लाइट की वजह से हम लोग को दिखता नहीं। सो दिस आर द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस इन द डे 2 ऑफ आवर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डिस्कस सम मोर थिंग्स, सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। एंड द लास्ट वीडियो गिव अस अ पॉजिटिव रिव्यू, द नाउ लास्ट थ्री वीडियोस रियली गिविंग अ पॉजिटिव रिव्यू, इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी डेली वीडियोज डाल रहा हूँ, मैं पीपीटीज रेडी कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैंने काम बढ़ा दिया क्योंकि एक 3 दिन में 7-8 सब्सक्राइबर्स एक साथ बढ़े, इसलिए इट रियली गिव्स मी मोटिवेशन, सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इट रियली गिव्स मी हेल्प, एंड थैंक यू वेरी मच।